दोस्तों GA4 का या गूगल एनालिटिक्स का जो आप कोर्स कर रहे हो इसके अंदर ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोस्तों हर इंडस्ट्री के अपने कुछ शब्द कोश होते हैं, मतलब अपनी कोई लैंग्वेज होती है। तो दोस्तों गूगल एनालिटिक्स एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर कुछ ऐसे टेक्निकल शब्द हैं, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिसके बारे में लोगों को क्लैरिटी नहीं होती, जिनके बारे में उनको नॉलेज नहीं होती, और ये बेहद जरूरी है आप लोगों को उन टर्म्स के बारे में बताना, उनकी नॉलेज देना, ताकि कंप्लीट सीरीज को प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली सीखने में आपको बेहद हेल्प हो और आप चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा अगर आपको गूगल एनालिटिक्स वाकई में सीखना है और उनमें जो चीजें टर्म्स यूज करी जा रही है उनका क्या मतलब है उसको जानना है। तो ये वीडियो बेहद इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट है अगर आप ये कोर्स कर रहे हो। तो दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो हमारे चैनल से सीख सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी चैनल पे 1000 के अराउंड वीडियोस हैं और आने वाले एक साल में 1000 के अराउंड वीडियोस और 30-35 नए सीरीज या कोर्सेज और हम लेकर आ रहे हैं, ताकि आप लोगों की लर्निंग को एम्पावर करा जा सके। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो तुरंत कर लो, ताकि आप लोग कुछ मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कोचिंग कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundals.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम गूगल एनालिटिक्स 4 के इस वीडियो में टेक्निकल टर्म्स जानेंगे जो कि गूगल एनालिटिक्स में यूज करी जाती हैं, और टेक्निकल टर्म्स का सीखना जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, बिकॉज आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करो आपको वहां के टेक्निकल टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आपकी लर्निंग स्ट्रांग होगी, आप चीजों को बेहतर अंडरस्टैंड कर पाओगे, आपके लॉजिक क्लियर होंगे, आप प्रैक्टिकल आराम से सीख पाओगे और लास्ट लॉन्ग तक वो लर्निंग आपके दिमाग में रहेगी। तो हमने सारा डाटा गैदर करा आप लोगों की लर्निंग को स्ट्रांग करने के लिए, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरी सीरीज कोर्स में आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों पहले हम बताते हैं कि इस टॉपिक में हम जो कवर करने वाले हैं वो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्मोलॉजीज यूज करी जाती हैं गूगल एनालिटिक्स में। एक आपको क्विक ओवरव्यू देंगे टर्म्स का एंड जार्गन्स का, ठीक है, ताकि आप यूज कर पाएं उनको जो कि आप जो GA4 में यूज करते हैं, और इस टॉपिक में आप समझोगे यूज टर्मोलॉजीज एंड द रिपोर्ट्स इन अ बेटर वे। अब दोस्तों पहले है अकाउंट्स, सबसे पहले अकाउंट्स। Your account is where everything lives inside Google Analytics. Account में ही सारा का सारा आपका data और सारी insights आपको मिलती हैं। आप एक तरीके से बोल सकते हो कि एक top level का folder होता है जो कि आप access कर सकते हो login करके अपनी details को, और आप यहाँ पर structure में देख भी सकते हो। सबसे पहले आपको account ही create करना पड़ेगा, तब उसके अंदर आप अदर चीज़ों को एडिट कर सकते हो, सेटिंग्स कर सकते हो, प्रॉपर्टीज क्रिएट कर सकते हो, और GUI जो पुराना वाला था उसके अंदर आप यूज़ भी करते थे, बट अब GA4 के अंदर आप अकाउंट्स एंड प्रॉपर्टीज क्रिएट करते हो। अब हम बात करते हैं एक्विजिशन के बारे में। तो दोस्तों एक्विजिशन रिपोर्टिंग जो सेक्शन है गूगल एनालिटिक्स में वो यूज करा जाता है ये जानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि यूजर कहाँ से आया आपकी वेबसाइट पे या आपकी ऐप पे। स्पेसिफिक रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं लर्न करने के लिए अबाउट योर ट्रैफिक, इफ दे अराइव डायरेक्टली टू योर साइट और यूजर सर्च इंजन, एंड हाउ सक्सेसफुल सर्टेन मार्केटिंग कैंपेन आर इन अट्रैक्टिंग यूजर्स। बिकॉज आप बहुत सारी एक्टिविटीज करते हो, बट किससे आपको असल में बेनिफिट हो रहा है, कहाँ से ऑडियंस बेटर आ रहा है, कहाँ से जो ऑडियंस आ रहा है ज़्यादा एंगेज हो रहा है, कहाँ से बाउंस रेट बढ़ रहा है, और ऐसे बहुत सारे मेट्रिक्स जो आपके पास एक्विजिशन हो रहा है, तो ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके ऊपर इन सब टर्म्स के ऊपर हम आपको प्रैक्टिकल भी सिखाने वाले हैं सीरीज के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं एक्टिव यूजर्स। एक्टिव यूजर्स कौन हैं? वो नंबर ऑफ यूजर्स जो एंगेज हैं आपकी वेबसाइट या ऐप से। बट एक्टिव किसको माना जाता है, कौन कंसीडर करा जाएगा कि एक्टिव यूजर है? वो लोग जो आपकी वेबसाइट पे एंगेज हैं करंटली, जिनके सामने आपका वेब पेज खुला है या आपकी ऐप के ऊपर वो लाइव है,
ठीक है, कम से कम 1 सेकंड या उससे ज्यादा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूशन के बारे में। तो दोस्तों एट्रीब्यूशन इज द एक्ट ऑफ असाइनिंग क्रेडिट्स फॉर कन्वर्जन्स टू डिफरेंट एड्स क्लिक्स एंड फैक्टर्स अलोंग अ यूजर्स पाथ टू कंप्लीटिंग अ कन्वर्जन। अब दोस्तों जब भी कोई कन्वर्जन कंप्लीट होता है या जिसको हम कन्वर्जन बोलते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो भी एक्शंस लिए जाते हैं, जो कि हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि हम एड्स हमारे एड्स पे जो आए, जो हमारी एड्स पे जिन्होंने क्लिक करा, या हमारी कोई फॉर्म भरे गए, या कोई भी ऐसे एक्शंस जिनको हम कन्वर्जन्स मानते हैं, तो ये एक्ट जो है एट्रीब्यूशंस का, जो हम असाइन कर रहे हैं, इनको एट्रीब्यूशन बोला जाता है, और इनके एक्शन के बाद ही एक कन्वर्जन को पूरा माना जाता है, कंप्लीट माना जाता है। यहाँ पर आप GA4 के अंदर जब एडवर्टाइजिंग के अंदर जाते हो, यहाँ पर तो आपको एट्रीब्यूशन का सेक्शन मिलता है, और यहाँ पर आप मॉडल कंपैरिजन कन्वर्जन पाथ देख सकते हो, और आप अपने एडमिन पैनल में जाते हो गूगल एनालिटिक्स के, तो आपको यहाँ पर डाटा इंपोर्ट और डिफॉल्ट रिपोर्टिंग के अंडर एट्रीब्यूशन सेटिंग मिलती है, जहाँ से जाके आप अपनी एट्रीब्यूशंस मॉडल वगैरह डिसाइड कर सकते हो, और ये सब हम आपको सिखाने वाले हैं आने वाली वीडियोस में। आगे बढ़ते हैं। ऑडियंस, दोस्तों इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गूगल एनालिटिक्स 4, एन ऑडियंस इज अ ग्रुप ऑफ यूजर्स दैट यू कैन क्लब टुगेदर बेस्ड ऑन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूशंस और एक्सपीरियंसेस इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। द ऑडियंसेस फीचर इन GA4 अलाउज यू टू सेगमेंट योर यूजर बेस ऑन द डायमेंशंस मैट्रिक्स एंड इवेंट्स इंपॉर्टेंट टू योर बिजनेस। अब ऑडियंस कौन? दोस्तों गूगल ऑडियंस में, गूगल एनालिटिक्स में जो ऑडियंस है वो एक ग्रुप ऑफ यूजर्स को बोला जा रहा है, ठीक है, जिन्होंने कोई ना कोई एक्शन लिए हैं, ठीक है, या कोई कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूशंस है, जो कि अपने एक्सपीरियंसेस उनके एक्शंस के बेसिस पे हमने सेगमेंट कर दिया गया है, अलग अलग हमने उस ऑडियंस को बांट दिया है, ठीक है। अब कैसे, अब मान लो यहाँ पर आप फिगर में देखो जो ऑडियंस आ रही है, यहाँ पर आप ऑडियंस देख रहे हो एड टू कार्ट, और यहाँ पर आपको दिख रहा है 5800 यूजर्स हैं, तो ये कौन है? ये वो ऑडियंस है जिन्होंने मतलब एड टू कार्ट किया, और नीचे जो आप देख रहे हो लाइकली 7 डे परचेजेस, यूजर्स हु आर लाइकली टू मेक परचेजेस इन लास्ट 7 डेज, वो इतने हैं। तो इस तरीके से ऑडियंसेस को उनके एक्शंस के बेसिस पे, एट्रीब्यूशन के बेसिस पे बांट दिया गया है, ताकि ये चीजें आपको हेल्प करती हैं रीमार्केटिंग रीटारगेटिंग में। मान लो आपको सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने एड्स दिखाने हैं या टारगेट करना है जिन्होंने सिर्फ एड टू कार्ट करा, तो आप उनको दिखा सकते हो, या जिन्होंने कुछ परचेज करा उनको कोई और आपको कैंपेन दिखाना है, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपको ऑडियंस अलग अलग जब आप सेगमेंट कर लेते हो तो उनकी टारगेटिंग बहुत आसान हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एवरेज एंगेजमेंट टाइम। तो दोस्तों एवरेज एंगेजमेंट टाइम क्या है? एवरेज एंगेजमेंट टाइम टेल्स यू द एवरेज अमाउंट ऑफ पीपल टाइम पीपल स्पेंड ऑन योर वेबसाइट और ऐप। दिस मैट्रिक्स इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल टाइम बाय द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स। बहुत सिंपल है दोस्तों, मान लो आपकी वेबसाइट पे 1000 लोग आए, ठीक है, और उन्होंने टोटल 10,000 मिनट आपकी वेबसाइट के ऊपर बिताए, तो जब 10,000 को डिवाइड कर दिया जाएगा उन 1000 लोगों से, तो आपका एवरेज एंगेजमेंट टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तो टू कैलकुलेट अ टाइम अ यूजर नीड्स टू स्पेंड एटलीस्ट 1 सेकेंड ऑन अ पेज और मोर, एंड गूगल एनालिटिक्स ओनली काउंट्स द अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन द ब्राउजर इज विजिबल। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि वो कब उसको काउंट करता है, ठीक है, कम से कम 1 सेकंड या उससे ज्यादा कोई रुके, ठीक है, और वो हमारे उस ब्राउजर पे हो, हमारे उस पे लाइव हो। तो दोस्तों ये यहाँ पर आप मैट्रिक्स देख भी सकते हो, इस तरीके का ये शो होता है। अब आगे बढ़ते हैं चैनल। चैनल्स क्या हैं? चैनल्स रेफर टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ साइट ट्रैफिक। थिंक ऑफ गूगल एनालिटिक चैनल्स एज बकेट्स ऑर्गेनाइजिंग द मैनी डिफरेंट पार्ट्स टू योर साइट बाय टाइप। Google Analytics decide what traffic goes in which channel based on the source and medium of the traffic. अब channels क्या हुए दोस्तों? कि direct channel है, organic search से है, या referral से है, या organic social से, organic activities से है।
तो ये उसने अलग अलग जो सोर्सेज हैं हमारे ट्रैफिक के बांट दिया, और इनको चैनल्स बोला जाता है, और इनका सारा डाटा इंटरप्रेशन कि वो कितने आए, ठीक है, और उन्होंने क्या कहते हैं टोटल यहाँ पर कितने मिनट एवरेज स्पेंड करा, और अलग अलग चैनल से आ रहे हैं, तो आप फिर देख सकते हो कि आपके बिजनेस के लिए आपके जो ट्रैफिक आ रहा है कौन सा ट्रैफिक या कहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा है ज़्यादा वर्दी है, ठीक है, और ज़्यादा वो एंगेज हो रहा है, तो इससे आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। इतने इन डेप्थ डिटेल में आपको एनालिसिस मिलता है। अब क्लाइंट आईडी क्या होती है? गूगल एनालिटिक्स यूजेज अ यूनिक आइडेंटिफायर कॉल्ड क्लाइंट आईडी टू रिपोर्ट एंड एनालाइज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन योर वेबसाइट। बाय डिफॉल्ट द आइडेंटिफायर इज रेंडमली असाइंड एंड इज स्टोर्ड इन अ ब्राउजर कुकी ऑन द यूजर्स डिवाइस। तो क्लाइंट आईडी क्या है? जो यूजर अपने डिवाइस पे आपकी वेबसाइट को ब्राउज कर रहा है, तो गूगल हर यूजर को एक यूनिक आईडी दे देता है जिसको क्लाइंट आईडी बोलते हैं, ताकि वो उसके बिहेवियर एक्टिविटीज को इंडिविजुअली मॉनिटर कर सके, ठीक है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कन्वर्जन्स के बारे में। कन्वर्जन्स आर यूजर एक्टिविटीज दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ योर बिजनेस। अ कन्वर्जन इज रिपोर्टेड वेन एवर अ यूजर ट्रिगर्स एन इवेंट दैट हैज बीन डिफाइंड एज अ कन्वर्जन। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि कन्वर्जन एक वो फाइनल एक्शन है या वो सक्सेस है जिसको, मान लो हम अलग अलग बिजनेस टाइप के हिसाब से अलग अलग कन्वर्जन्स काउंट होते हैं। मान लो कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वहां पर कोई प्रोडक्ट बाय होता है तो उसको एक कन्वर्जन माना जाता है। अगर कोई ब्लॉग है वहां पर कोई पेज व्यू ब्लॉग व्यू होता है, कोई ब्लॉग पोस्ट व्यू होती है तो उसको एक कन्वर्जन माना जाता है। मान लो अगर कोई ई बुक का है वहां से कोई ई बुक डाउनलोड होती है तो उसको एक कन्वर्जन माना जाता है। तो ऐसे अलग अलग कन्वर्जन्स हो सकते हैं और वो आप सेट कर सकते हो, ठीक है, कि आप किसको किस एक्टिविटी को एक कन्वर्जन मान रहे हो। तो आप यहाँ पर आगे सीखोगे, जब हम आपको कन्वर्जन्स का सिखाएंगे वहां पर आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कन्वर्जन्स का। अब दोस्तों बात करते हैं हम कंपैरिजन्स की। तो कंपैरिजन्स एज द नेम इम्प्लाइज अलाउ यू टू क्विकली कंपेयर डिफरेंट सबसेट्स ऑफ डाटा इन स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स। अब होता क्या है दोस्तों कि आपको गूगल एनालिटिक ये पावर देता है कि आप मान लो आपके पास एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, SEO से गूगल से, और एक आपके पास पेड ट्रैफिक आ रहा है गूगल एड से, तो आप उन दोनों का कंपैरिजन करना चाहते हो कि और देखना चाहते हो कहाँ से आपको बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं या इन दोनों में फर्क क्या है और लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो दोस्तों यू कैन फोकस ऑन पर्टिकुलर यूजर इन द स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स बाय अप्लाइंग अप टू फोर कंपैरिजन्स। आप अप टू फोर कंपैरिजन्स एक साथ कर सकते हो, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन कंपेयर ऑल यूजर्स टू यूजर्स हु फाउंड योर वेबसाइट आफ्टर सर्चिंग ऑन गूगल, ठीक है, तो वो आप कंपेरिजन इजिली कर सकते हो, एंड दैट ऑल्सो वी विल टीच यू इन दिस कोर्स। अब हम बात करते हैं कुकीज की। तो दोस्तों कुकी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो किसी भी वेबसाइट ब्राउजर में स्टोर होता है, और गूगल एनालिटिक्स यूजर्स की कुकीज को यूज करता है आइडेंटिफाई करने के लिए यूजर को और उन्होंने कितनी देर कितने सेशंस लगाए, ठीक है। तो कुकीज का बहुत इंपॉर्टेंस है डिजिटल मार्केटिंग में, हम सबको पता है। CPC क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक। CPC हैज बीन सीन इन एक्विजिशन एंड एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट। जब हम एक्विजिशन एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट का सेक्शन या रिपोर्टिंग सेक्शन देखते हैं गूगल एनालिटिक्स में, तो वहां पर ये रेफर करता है कि पीपल क्लिकिंग थ्रू टू योर वेबसाइट फ्रॉम पेड एड्स, तो वहां दिखाता है ना CPC कितना आ रहा है, पेड एड्स के थ्रू कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो दिस इंक्लूड्स ट्रैफिक फ्रॉम लिंक्ड गूगल एड्स अकाउंट एंड कैंपेन टैग्ड URLs वेयर द मीडियम इज डिफाइंड एज CPC और पेड। तो आपका गूगल एड्स कनेक्टेड है या जहाँ से आपके पेड कैंपेन्स के जो URL ट्रैक्ड हो रहे हैं, तो वो आपको दिखाएगा कि क्या आपका CPC आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कस्टम डेफिनेशंस। अ कस्टम डेफिनेशन इज अ डायमेंशन और मैट्रिक्स रजिस्टर्ड इन GA4। तो जो डेफिनेशन है वो डायमेंशन और मैट्रिक्स है GA4 के अंदर।
यू नीड टू नेविगेट कॉन्फिगर एंड देन कस्टम डेफिनेशंस टू रजिस्टर अ डायमेंशन और मैट्रिक्स। तो दोस्तों जब भी कोई डाटा गूगल एनालिटिक्स में होता है तो उसको डिफाइन करा जाता है। फॉर एन एग्जांपल मान लो मैं बोलता हूँ कि SEO के थ्रू ट्रैफिक आया, मतलब ऑर्गेनिक ट्रैफिक आया, तो वो हो गया मेरा डायमेंशन, और कितना आया 2000 आया तो वो हो गया मैट्रिक्स, कस्टम डायमेंशन एंड कस्टम मैट्रिक्स। तो जो कस्टम डायमेंशन और कस्टम मैट्रिक्स हैं वो बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट आपको गूगल एनालिटिक अकाउंट में मिलते हैं, ठीक है। बट बहुत कई ऐसे भी डायमेंशन मैट्रिक्स हैं जो आपको ऑटोमेटिकली नहीं मिलते बाय डिफॉल्ट, वो आपको खुद क्रिएट करने पड़ते हैं ताकि आप और डाटा भी गैदर कर सको। यहाँ पर आप देख सकते हो इधर कस्टम डायमेंशंस के इस सेक्शन में, तो यहाँ पर डायमेंशंस और मैट्रिक्स का है, जो कि हम आपको इन डेप्थ, ये तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं, आपको हर एक चीज सिखाएंगे। अब हम बात करते हैं डाटा इंपोर्ट की। यू कैन इंपोर्ट एडिशनल डाटा इनटू गूगल एनालिटिक्स टू सप्लीमेंट एंड एक्सटेंड द स्टैंडर्ड डायमेंशंस एंड मैट्रिक्स। यू कैन इंपोर्ट अ रेंज ऑफ डाटा इंक्लूड कॉस्ट डाटा फॉर एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स लाइक डाटा फॉर द प्रोडक्ट्स यूजर डाटा एंड ऑफलाइन इवेंट्स। तो दोस्तों डाटा इंपोर्ट बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी सोर्स है जहां से डाटा आप कैप्चर करना चाहते हो अपने एनालिटिक्स में, तो आप उस डाटा को, उस सोर्स को कनेक्ट कर सकते हो गूगल एनालिटिक्स से और उसको इंपोर्ट कर सकते हो ताकि वो डाटा भी आप गूगल एनालिटिक्स के अंदर एनालाइज कर पाओ और उसके ऊपर आप फर्दर एक्शंस ले पाओ। डाटा रिटेंशन क्या होती है? दोस्तों डाटा रिटेंशन है कि जो यूजर्स आ रहे हैं, जो डाटा इकट्ठा हो रहा है आपके गूगल एनालिटिक्स 4 में, वो कितने टाइम तक उसके अंदर बना रहेगा, कितने टाइम तक वो उसके अंदर है। तो बाय डिफॉल्ट तो दोस्तों 2 महीने का जो डाटा है वो आप रिटेन कर सकते हो गूगल एनालिटिक्स में, बट एक सेकेंड ऑप्शन होता है 14th मंथ। तो 14 महीने से ज़्यादा का डाटा रिटेन नहीं हो सकता, उसके बाद का जो डाटा है वो आपके गूगल एनालिटिक्स 4 में नहीं रहेगा, जो कि GUA गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स जो कि GA3 था पुराना वाला, उसमें आप कई सालों तक का भी डाटा कैप्चर कर सकते थे, रिटेन कर सकते थे। दोस्तों बात करते हैं डाटा स्ट्रीम की। तो दोस्तों डाटा स्ट्रीम इज यूज टू कलेक्ट डाटा इनटू योर रिपोर्ट्स। जैसे कि मैं आपको इस कोर्स में पहले भी बता चुका हूँ, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं एक अकाउंट के अंदर, प्रॉपर्टी क्या है, एक वेबसाइट या ऐप या यूट्यूब चैनल या कोई और पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जहाँ से कोई डाटा आएगा और आपके गूगल एनालिटिक्स में फेच होगा, मतलब वहाँ पर, तो जब हम कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाटा स्ट्रीम खुद क्रिएट होगी, ठीक है। तो वो उसको एक यूनिक मेजरमेंट आईडी मिलेगी, ठीक है। अब यू कैन क्रिएट डाटा स्ट्रीम्स अपनी वेबसाइट के लिए, ऐप्स के लिए, iOS ऐप्स के लिए वो कर सकते हो, तो जिन जिन के लिए प्रॉपर्टी बना सकते हो तो ऑटोमेटिकली डाटा स्ट्रीम तो आप उनके लिए बना ही सकते हो और वो ऑटोमेटिकली बनती है। अब आगे बढ़ते हैं, डीबग व्यू क्या होता है? दोस्तों डीबग क्या है? एक प्रॉब्लम, एक बग, कोई एरर। तो आप डीबग व्यू के जो इस फीचर को यूज कर सकते हो मॉनिटर करने के लिए कोई पर्टिकुलर इवेंट को, ठीक है, डिवाइस ब्राउजर्स में। अब उसके लिए आपको डीबगिंग एनेबल करनी पड़ती है, ठीक है, जो कि हम आपको यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो इधर चार्ट के अंदर। उससे होता क्या है, मान लो अगर मेरा कोई ई कॉमर्स स्टोर है और मैंने डीबगिंग एनेबल कर रखी है, तो वहाँ पर कोई यूज़र आया, तो जब वो होम पेज पे आता है उसके बाद वो वेरियस एक्शंस लेता है वेबसाइट के ऊपर, और वो एक्शंस लेते लेते प्रोडक्ट पेज पे जाता है, ऐड टू कार्ट करता है, बाय करता है, तो उस पूरे जर्नी में अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है और वहाँ से यूज़र वापस हो रहा है या वेबसाइट से वहाँ पर वापस चला गया, बाउंस हो गया या बाय नहीं कर पा रहा, तो वो हमें बताता है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर इस जर्नी के अंदर यहाँ पर वो बगा रहे हैं, तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, ताकि हम यूज़र का एक्सपीरियंस स्मूथ बना पाएं और उस प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करके हटा पाएं। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस एंड मैट्रिक्स की। तो दोस्तों डायमेंशंस आर डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर डाटा। जो भी डाटा आ रहा है तो उसमें, अब जो डाटा जो भी आ रहा है तो उसमें मान लो चाहे वो हमारे जो डायमेंशन है लाइक गूगल, क्राउगल, यूनिसेक्स, बैगेस्टी, ठीक है,
यहाँ पर गूगल क्लाउड यूनिसेक्सटी, तो जो भी डाटा इकट्ठा हो रहा है इसको सिंपल फॉर्म में अगर समझो तो डायमेंशन हम उनको भी बोल सकते हैं। आप मान सकते हो, मान लो डेमोग्राफिक्स, ठीक है, या मेल फीमेल, ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो डायमेंशन के ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड पेड ट्रैफिक, तो ये सब तो डायमेंशन हो गई। मगर अगर हम बात कर रहे हैं मेल फीमेल की, तो मेल कितने आए 100 आए, फीमेल कितनी आई 50 आए, ठीक है, या हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आया 1000 आया, पेड ट्रैफिक कितना आया 5000 आया, तो वो जो डायमेंशंस हैं लाइक गूगल एज ऑर्गेनिक ट्रैफिक पेड, वो डायमेंशंस काउंट होंगे और उनके जो नंबर्स हैं कि जो कैलकुलेट आप कर सकते हो वो मैट्रिक्स होती हैं उसकी, तो जो बताती हैं उन डायमेंशंस के वैल्यू के बारे में और उनके नंबर्स के बारे में। तो इसी के ऊपर पूरा का पूरा गूगल एनालिटिक्स चलता है, डायमेंशंस और मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं एंगेज्ड सेशंस की। तो गूगल एनालिटिक्स विल रिपोर्ट एन एंगेज्ड सेशन व्हेन अ सेशन लास्ट लॉन्गर देन 10 सेकंड्स। सेशन अलग चीज होती है, एंगेज्ड सेशन अलग चीज होती है। तो जैसे हमने बात करी थी सेशन तो एक सेकंड या उससे ज्यादा का भी माना जाता है, बट एंगेज सेशन वही माना जाता है जो थोड़ा लंबा चलता है, कम से कम 10 सेकंड या उससे ज्यादा, या कम से कम एक कन्वर्जन हुई हो, या फिर क्या कहते हैं किसी ने दो या उससे ज्यादा पेजेस व्यू करे हो, तो इस तरीके से एंगेजमेंट एंगेज्ड सेशंस माने जाते हैं वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंगेजमेंट रेट की। तो एंगेजमेंट रेट मैट्रिक क्या है, वो कैलकुलेट करता है डिवाइडिंग द नंबर ऑफ एंगेज्ड सेशंस बाय द नंबर टोटल नंबर ऑफ सेशंस। फॉर एन एग्जांपल मान लो कि 70 एंगेज सेशन हुए और टोटल सेशन हुए 100, मतलब 100 सेशंस हुए, मगर 70 ही वो थे जिसके अंदर 10 मान लो 10 सेकंड से ज्यादा कोई रुका होगा, या कोई डबल दो चार बार पेज व्यूज कर रहा होगा, या जो भी एंगेज सेशन की परिभाषा है वो जब अचीव होती है उसको एंगेज सेशन बोला जाता है। तो एंगेजमेंट रेट क्या हुआ, 70% हुआ, तो इसको कहते हैं, ठीक है। इवेंट्स, इवेंट्स क्या होते हैं, GA4 का जो बेस है वो इवेंट्स है, क्योंकि तो यहाँ पर सब कुछ इवेंट बेस्ड चलता है। तो कोई भी डाटा जो कलेक्ट हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी जो आपकी वेबसाइट ऐप के ऊपर या आपके किसी डिवाइस पे हो रही है, ठीक है, तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को इवेंट्स बोला गया है, ठीक है। बहुत सारे जो इवेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली जब आप बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट क्रिएट करते हो, अपनी वेबसाइट या ऐप ऐड करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सारे इवेंट्स ट्रैक होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बट बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो आप खुद क्रिएट कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ताकि आपको उनका भी डाटा मिलता रहे। अब हम बात करते हैं इवेंट पैरामीटर की। इवेंट पैरामीटर्स आर एडिशनल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर कलेक्टेड विद इवेंट्स, ठीक है। जो इवेंट्स के संग जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट हो रही है उसको इवेंट पैरामीटर्स कहा जाता है। पैरामीटर्स इंक्लूड ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंक्लूडिंग द पेज टाइटल्स, पेज लोकेशन, URL ऑफ द पेज, सेशन ID एंड मोर, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो इकट्ठी हो रही है अदर इवेंट्स के संग, उसको हम इवेंट पैरामीटर्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ID की। तो दोस्तों मेजरमेंट ID क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफायर दैट इंश्योर्स डाटा इज कलेक्टेड इनटू द करेक्ट गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी। तो जो गूगल एनालिटिक्स का आपका अकाउंट है उसको एक मेजरमेंट ID इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सही ID ही में सारा का सारा डाटा कलेक्ट हो, क्योंकि उस ID से ही सब कुछ कनेक्ट करा जा रहा है, ठीक है। तो एक स्ट्रीम बन जाती है डाटा स्ट्रीम, ठीक है। तो दैट स्टार्ट्स विद अ G फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ नंबर एंड लेटर्स। फॉर एन एग्जाम्पल GABC, ये पूरी की पूरी एक आपकी ID हो गई मेजरमेंट ID। द मेजरमेंट ID कैन बी इंक्लूडेड इन द ट्रैकिंग कोड एंड और यूज इन गूगल टैग मैनेजर टू सेंड डाटा टू गूगल एनालिटिक्स। तो ऑब्वियसली मेजरमेंट ID चाहे गूगल टैग मैनेजर से कनेक्ट करो, चाहे किसी और गूगल अकाउंट से कनेक्ट करो, तो वहाँ मेजरमेंट ID के बिना तो कर ही नहीं सकते ना, वरना वो कैसे उस पर्टिकुलर अकाउंट को आइडेंटिफाई करेगा। अब हम बात करते हैं मीडियम की। मीडियम क्या है, मीडियम इज वन ऑफ द डायमेंशन अलॉन्ग विद सोर्स कैंपेन्स एंड चैनल्स, ठीक है, for reporting and analyzing how people found your website. Medium tells you how the messages was communicated. For an example, organic for free search traffic, ठीक है, CPC for cost per click, referral for inbound links, ठीक है, from other websites. तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो medium है वो ये बताएगा कि मतलब medium क्या है, Google है, वहां से organic आया, तो that is medium. सोर्स गूगल था बट मीडियम जो है वो ऑर्गेनिक वे था, पेड वे नहीं था, ठीक है।
अब ये कोई वेबसाइट है वो सोर्स था, बट जो मीडियम था उस वेबसाइट से एक रेफरल लिंक था, क्लिक करके वो वहां पर आया। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ये सब ऑर्गेनिक रेफरल पे ये सारे के सारे मीडियम्स हैं, और जो सोर्स हैं वो गूगल या कोई और वेबसाइट है वो सोर्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। तो दोस्तों प्रॉपर्टीज आर क्रिएटेड इन अ गूगल एनालिटिक अकाउंट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। अगर आप आपका एक अकाउंट है, मान लो मेरा मार्केटिंग फंडास का, तो अकाउंट हो गया, वो कंपनी हो गई, बट उसके अंदर मेरी वेबसाइट एक प्रॉपर्टी हो गई, मेरी अगर कोई ऐप है तो एक प्रॉपर्टी हो गई, मेरा कोई यूट्यूब चैनल है तो एक प्रॉपर्टी हो गई। तो ऐसे में मल्टीपल प्रॉपर्टीज, तो एक अकाउंट के अंदर हम 50 प्रॉपर्टी बना सकते हैं, और एक गूगल एनालिटिक के अंदर हमारे अकाउंट के अंदर हम 100 अकाउंट बना सकते हैं। तो 100 अकाउंट में 50 50 पर अकाउंट प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, सेगमेंट्स की हम बात करें तो सेगमेंट्स लेट यू फोकस ऑन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ योर ट्रैफिक बेस्ड ऑन यूजर सेशंस एंड इवेंट्स। यू कैन अप्लाई अप टू 4 सेगमेंट्स इन एन एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट। तो जब हम एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट आपको दिखाएंगे सिखाएंगे, तो हम आपको बताएंगे सेगमेंट्स क्या होते हैं, उनसे आप कैसे फोकस कर सकते हो एक पर्टिकुलर ट्रैफिक सोर्स के ऊपर। ठीक है, अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे, यूजर सेशंस और इवेंट्स। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन क्रिएट अ सेगमेंट टू परफॉर्म डिटेल्ड एनालिसिस ऑन हाई वैल्यू कस्टमर्स टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर एंगेजिंग विद योर वेबसाइट। तो दोस्तों ये सेगमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है गूगल एनालिटिक्स का, और ये हम आपको इस सीरीज के अंदर अच्छे से सिखाएंगे कैसे आप कस्टम सेगमेंट भी क्रिएट कर सकते हो। अब यूजर एंगेजमेंट की बात करें तो यूजर एंगेजमेंट मेजर्स हाउ लॉन्ग पीपल हैव व्यूड योर कंटेंट इंक्लूडिंग पेजेस एंड स्क्रीन्स। मतलब यूजर एंगेजमेंट मेजर करता है कि लोग कितने ज्यादा व्यू कर रहे हैं आपका कंटेंट, इंक्लूडिंग पेजेस भी, और आपकी स्क्रीन, उनकी स्क्रीन पे कितनी देर तक आपका जो वेबसाइट है या ऐप है वो ओपन है। गूगल एनालिटिक ये भी कैलकुलेट करता है टाइम यूजिंग द यूजर एंगेजमेंट इवेंट। ठीक है, वो टोटल टाइम कैलकुलेट करता है विच इज ऑटोमेटिकली कलेक्टेड व्हेन सम यूजर नेविगेट्स टू अनदर पेज ऑन योर वेबसाइट एंड लीव्स योर वेबसाइट। तो जब वो नेविगेट कर रहा है, जब वो आपकी वेबसाइट पे आया और जब वेबसाइट से चला गया, वो पूरे के पूरे टाइम को कैलकुलेट करता है, जिससे कि एक यूजर के एंगेजमेंट लेवल वो सब पता लगता है। टाइम इज ओनली काउंटेड वेन द पेज और स्क्रीन इज विजिबल। टाइम तभी काउंट होगा जब उसके सामने खुला होगा आपकी वेबसाइट का कोई पेज या होम पेज या कुछ भी। फॉर एन एग्जाम्पल वेन अ टैब इज हिडन दिस टाइम इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूजर एंगेजमेंट। ठीक है, मतलब वेबसाइट ओपन है बट दूसरे टैब में वो दूसरे कुछ देख रहा है, आपकी वेबसाइट नहीं देख रहा, तो वो काउंट नहीं होगा टाइम। यूजर रिटेंशन, अब यूजर रिटेंशन क्या है, यूजर रिटेंशन शोज द परसेंटेज ऑफ न्यू यूजर्स दैट रिटर्न ईच डे। फॉर एन एग्जाम्पल इफ 40 यूजर्स कम टू योर वेबसाइट, अब मान लो 40 यूजर आपकी वेबसाइट पे आए फॉर द फर्स्ट टाइम येस्टरडे, और उसमें से 10 दोबारा आ जाए, देन टूडेज यूजर रिटेंशन वुड बी 25%। ठीक है, यू कैन व्यू यूजर रिटेंशन बाय नेविगेटिंग टू द रिटेंशन रिपोर्ट अंडर द लाइफ साइकिल। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइफ साइकिल के अंदर रिटेंशन के मॉडल में जाके ये सब हम आपको सिखाने वाले हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं व्यूज की। रिपोर्ट्स द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट हैव बीन कलेक्टेड। फॉर एन एग्जाम्पल एक यूजर जो नेविगेट करता है आपके अबाउट अस पेज पे, देन द कॉन्टेक्ट अस पेज पे फिर वो करता है, एंड देन बैक टू अबाउट अस पेज, विल रिजल्ट इन 2 व्यूज ऑफ अबाउट अस पेज एंड 1 व्यू ऑफ कॉन्टेक्ट अस पेज। इस तरीके से व्यूज कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में पता लगा होगा, पसंद आया होगा ये वीडियो। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। अगर आपके खुद के कुछ क्वेरीज हैं या आप कोई कोर्स के बारे में सीखना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम अपकमिंग वीडियोस में उसके ऊपर कोर्सेज लेकर आएं या वीडियो लेकर आएं। दोस्तों अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हो या आप डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेना चाहते हो मुझसे, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हो। आप सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।